कांग्रेस को लेकर कई अटकलें की जा रही हैं, जिसके चलते कई लोग मोदी की भविष्यवाणी कर रहे हैं। इस वीडियो में भी यह दावा किया जा रहा है कि 10 वर्ष पहले इन्होंने मोदी की भविष्यवाणी की थी और उसके पुख्ता सबूत के तौर पर 10 वर्ष पुराना मेरा वीडियो यूट्यूब पर देख लीजिए है। लगभग ऐसा कहना भविष्य वार्ता का है। लगभग 403 सीटों से मोदी देश में विजयी होने का ऐसा भी कहा गया था। इस भविष्य वार्ता का आइए देखिए यह भविष्य वार्ता का वीडियो। बोल दीजिए, भी बोल दीजिए, आप बोलिए ऐसा नहीं। 10 साल पहले हमने मोदी का भविष्यवाणी करी थी, आप यूट्यूब पे जाओ देखो 10 साल पहले का भविष्यवाणी। और अब भविष्यवाणी कर रहा हूँ, अगर मोदी नहीं आया देश खत्म है, देश गया 100%, देश गया, देश बचने वाला नहीं है। अभी चारों महल से ये तैयार चल रहे। कितनी सीटें आएंगी फिर आप भविष्यवाणी करिए? 403 एक्यूरेट 403 सीट आनी है मोदी की। और कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे, राहुल गांधी और महागठबंधन के भविष्य के बारे में? महागठबंधन नहीं है, गठबंधन है, कटवा देंगे लोगों को, मरवा देंगे सब, एक भी ना छोड़े वो। अभी इसमें सोना चांदी का ये मिला था, वो गया कहाँ वो पूछिए पहले उनसे। सब लेके इटली भर दिए, इन्होंने चोरी करने आए हैं, चोरी ही करेंगे। और आज तो हम भी कांग्रेसी हैं, पक्का कांग्रेसी हैं। कांग्रेस के लिए ये उंगली दे रखा, मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ, अरुणाचल प्रदेश का आदमी जंगली बताया जाता है, हम जंगली हैं, जंगल खाते हैं। तो अब कह रहा हूँ हिंदुस्तानी इतना बेवकूफ ना है, वो पहले वाले हिंदुस्तानी ना रहे, अब सब समझते हैं, सब जानते हैं। आप पक्के कांग्रेसी कह रहे हो, तो फिर आप नरेंद्र मोदी के बारे में भविष्यवाणी क्यों कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी वो है, आपने देखा होगा श्री किशन जी ने सुदामा का पैर धोया, नरेंद्र मोदी ने दलितों का पैर धोया, ये पहचान है। उसे मतलब नहीं है, अपने लिए मतलब नहीं है, उसे देश के लिए मतलब है, वो देश के लिए आया है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।